हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि अगर प्रोटेक्टर नहीं है तो कैसे सर्कल ड्रॉ करा जाए। आज मैं आपको बताती हूँ बिना प्रोटेक्टर के सर्कल ड्रॉ करना। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको, कि हम ड्राइंग शीट लेते हैं। ये हमारी ड्राइंग शीट है, इसमें हमने बीच में सेंटर मार्क कर लिया है। सेंटर हम कैसे मार्क करेंगे? पहले ये विड्थ देखेंगे पेपर का, उसके सेंटर पर निशान लगाएंगे, फिर हम इधर से सेंटर देखेंगे, उस पर निशान लगाएंगे और ये हमारा डॉट बन गया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ब्लैक से, जिससे ये आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल हो। तो ये मेरा ब्लैक डॉट आ गया। अब मैंने एक कंपस लिया, एक कंपस लेके इसमें मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा। इसके सेंटर में टिप रख के कंपस की, और एक सर्कल को मैंने यहां पर मैं ड्रॉ कर रही हूं। आप देख पा रहे हैं? अब मैं स्केल से इस सर्कल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं। मुझे इस सर्कल की इक्वल डिविजन्स करनी है। सबसे आसान तरीका तो ये है कि ये प्रोटेक्टर ले लें हम। इस प्रोटेक्टर को, ये जो यहाँ पर एक ब्लैक लाइन आप देख पा रहे हैं, इसको मेरी वाली जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको इसके ऊपर ऐसे रख के इस ब्लैक लाइन को इसके साथ ज्वाइन करके ऐसे मैं इसमें इक्वल अपने डिग्रीज के हिसाब से जितने मुझे डिविजन्स चाहिए सर्कल की, उतने डिग्रीज पे मैं इसको निशान लगा दूँ। सपोज मुझे यहाँ 20 डिग्रीज के एंगल चाहिए, तो हर 20 डिग्री पे मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ करके। ये प्रोटेक्टर से मैंने निशान बना दिए इस पे। अब सपोजिंग किसी के पास प्रोटेक्टर नहीं है, हमारे पास सिर्फ कंपस है, कोई बात नहीं, हम कंपस से ही सारे डिविजन्स बना लेंगे। अब ये मेरा पूरा रेडियस था सर्कल का। इसको अब मैं इस सर्क्यूमफ्रेंस के ऊपर कहीं पर भी रखकर, या मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी यहां पर रखकर, यहां से दो पॉइंट्स को कट करूंगी, इधर सर्कल में और इधर सर्कल में। तो ये मेरे दो कट पॉइंट्स आ गए सर्कल के ऊपर। अब मैं इस वाले पॉइंट को जो मैंने कट करा है सर्क्यूमफ्रेंस को, फिर से सेम रेडियस के कंपास से फिर से एक तरफ कट करूंगी और सिमिलरली दूसरी तरफ कट करूंगी जो लाइन से मिलेगा, और इसी तरह मैं पूरे सर्कल को डिवाइड कर दूंगी इक्वल पार्ट्स में। तो ये आपकी सिक्स डिविजन्स सर्कल के अंदर हो गई। अब इन इन पॉइंट्स को डायगनली हम एक दूसरे से मिला देंगे, जैसे ये एक ऊपर का पॉइंट और हमने यहाँ नीचे के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, उसी तरह ये दूसरे वाले पॉइंट को हमने इधर से ज्वाइन कर दिया। ये आप देख सकते हैं एक सर्कल की सिक्स डिविजन्स हो गई। अब आपको इस सिक्स की जगह इस डिविजन्स को डबल करना है, तो आप फिर से अपना ये कंपस लेंगे और इसके लिए इस कंपस को थोड़ा कम कर देंगे और यहाँ एक सेंटर से एक और छोटा सर्कल बनाएंगे इसी सर्कल के अंदर। ये आप देखिए, ये मैंने बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बनाया। अब इसी रेडियस को लेके, इसको मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, ये रेडियस मेरा सेम है। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर अपना कंपास रखा जहाँ ये एक लाइन से मिल रहा है, और मैंने इधर सेंटर में ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ करा। सिमिलरली मैंने उसके ऑपोजिट तरफ के एक वहाँ पॉइंट से लाइन के ऊपर उसको ड्रॉ करा और एक आर्क बना ली। ये आप देख सकते हैं इन दोनों का बीच का डिविजन आग बना दिया मैंने। इसी तरह मैं सारे पॉइंट्स के लिए करूंगी। ये छोटे सर्कल के पॉइंट से जो लाइन को टच हो रहा, वहां से दूसरे ऊपर की तरफ में आर्क्स बना रही हूँ हर एक साइड से, और ये आपका सर्कल की और कुछ डिविजन्स इससे इस तरीके से हो जाएंगी। और फिर आप
इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने सारी पॉइंट्स बना लिए। अब मैं इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर देती हूँ। मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। आई होप आप लोग को मजा आ रहा है इन सेशंस में मेरे साथ में। मंडाला बनाने के बेसिक्स हैं ये, एक सर्कल के इक्वल इवन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ अब मैंने अपने सर्कल की 12 डिविजन्स बनाई। पहले 6 बनाई और फिर उनके बीच में 6 बनाई।